क्या सोच रहे हो मलिक? कुछ नहीं, बस फेना के बारे में सोच रहा हूँ। उसने मेरी जिंदगी बचा ली और खुद गाड़ी के सामने आ गई। यानी मैंने उसको बचाने के लिए बहुत कोशिश की, मगर उसने धक्का दे दिया मुझे। आज के दौर में ऐसी मुखलिस मोहब्बत मिलना बहुत मुश्किल होता है। तुम्हारी किस्मत सही कह रही हो, लेकिन कभी कभी वो अजीब हो जाती है। ठीक कहा, कभी कभी सब मुख्तलिफ नजर आते हैं, हमें ही देख लो। हाँ देख रहा हूँ। तुमने उसे फोन किया? नहीं किया मैंने, करूँ क्या? हाँ बिल्कुल करो। ठीक है। अरे ये देखो, उसी का फोन आ रहा है। देखा, कहा था ना बहुत अच्छे दिल की है ये। चलो मैं चलती हूँ। हेलो हिना, तुम मुझे फोन करने वाले थे? हाँ बिल्कुल, तुम्हें कैसे पता चला? बस पता चल गया, देखा मेरी मोहब्बत को, क्योंकि दिल को दिल से राह होती है मलिक। जानता हूँ मैं। तुम मुझे याद कर रहे थे ना मलिक, और इसीलिए फोन भी करने वाले थे। तो क्या मैं तुमसे मिलने के लिए अभी आ जाऊँ? हाँ नहीं नहीं, तुम अभी आराम करो, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मुझे तो सिर्फ तुम्हारी तबीयत पूछनी थी। हाँ ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। मलिक डॉक्टर नैना कैसी है? ठीक है, बस उनकी याददाश्त चली गई है। क्या वाकई में? हाँ वाकई में, और वो डॉक्टर सिनान उनका ख्याल रख रहे हैं। जल्दी ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह, मगर थोड़े दिन तो लगेंगे इसमें। और तुम सुनाओ कैसी हो? कॉफी पियोगी तुम? हाँ बिल्कुल पियूंगी। तो भी ठीक है, मैं लेके आता हूँ, तुम इंतजार करो। ठीक है। मेरे मंगेतर कैसे हो? बहुत अच्छे लग रहे हो। वो कौन था? कौन कौन था? वही आदमी जिसके साथ तुम बातें कर रही थी, जो तुम्हें हॉस्पिटल छोड़ के गया। अरे मल्ली, तो क्या तुम जेलस हो रहे हो? बताओ मुझे। मैं जेलस? पागल हो गई हो? ये सोचा भी कैसे तुमने? अच्छा छोड़ो वो सब, तुम तो मेरे दिल में रहते हो मल्ली, तुम्हें छोड़कर मैं किसी और के पीछे क्यों जाऊंगी, बताओ। हाँ। अच्छा ये देखो मैं क्या लाई हूँ। क्या लाई हो, दिखाओ मुझे। ये लो। ये क्या है? ये हमारे खानदान की एक खास दवा है। ये दवा तमाम दिमागी अमराज के लिए बहुत मौसर है। दिमागी अमराज के लिए है? हाँ ये दवा हमारे खानदान में तो अच्छा छोड़ो ये तुम खानदान वानदान को, ये दवा तो मैं डॉक्टर नैना के लिए लाई हूँ, जैसे ही वो ये पियेंगी उनको सब याद आ जाएगा। लेकिन इसमें डाला क्या क्या है? हाँ इसमें लौंग है, अदरक है, करेले के छिलके है, नींबू का रस, शहद है, ये सब कुछ पीस कर डाला है इसमें, और कुछ केमिकल्स भी है। केमिकल्स भी डाले इसमें? हाँ केमिकल्स, मगर वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वरना वो मुझसे इसका फॉर्मूला मांग लेंगे। है ना तुम पागल हो गई हो, मैं डॉक्टर नैना को ये सब नहीं पीने दूंगा। अरे छोड़ो इसे, ये बहुत अच्छा है, इसे मैंने खुद पिया है, खुद अपनी आंखों से देख लो मुझे कुछ हुआ है क्या। चलो डॉक्टर नैना के पास चलते हैं, उन्हें मैं ये खुद पिलाऊंगी। क्या हो गया है तुम्हें? ये ना हो कि डॉक्टर नैना इसको पिए और उनकी याददाश्त बिल्कुल गायब हो जाए, वैसे भी उनके कमरे में जाने की किसी को इजाजत नहीं है। चलो ठीक है, तुम याद से ये डॉक्टर नैना को दे देना। चलो सी यू मेरी जान। चलो ठीक है ठीक है ठीक है, तुम जाओ जाओ यार, क्या कर रही हो, बिल्कुल पागल है ये सब कुछ पिलाऊंगा मैं डॉक्टर नैना को, और वैसे भी हॉस्पिटल में इसकी क्या जरूरत है, इसको मैं फेंक ही देता हूँ। या मेरे अल्लाह। हाँ ऐसा करो कि इसको बहुत दूर फेंकना, किसी के भी हाथ ना लगे, जाया कर देना समझे। बस फिर उसके बाद क्या था? बहुत मजाक करते हो तुम। इस तरह मैं हिना को देख के जेलस हो रहा हूँ क्या? देखो तो जरा कैसे नजर आई है। हिना? मलिक। हाँ मलिक, तुम्हारा मंगेतर। मलिक क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? अभी तो नहीं, मगर आ भी सकता है समझी। कौन हो तुम? मुझे बताओगे तुम कौन हो, मेरी मंगेतर के साथ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मलिक जान तारुफ तो कराने दो, ये मेरे कजन उस्मान, और उस्मान ये मेरे मंगेतर है मलिक। अच्छा तो ये तुम्हारा कजन है? उस्मान मैंने तुम्हें बताया था ना कि मलिक थोड़ा जेलस इंसान है, इसीलिए तुम्हारे साथ देखकर गुस्सा कर रहे थे। हाँ मुझे याद है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। हाँ बिल्कुल। कैसे हो तुम उस्मान? माफी चाहता हूँ,
मेरा नाम मलिक है, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपके साथ हिना को देखा तो रह नहीं पाया, पर जरा जज्बाती हो गया। अच्छा। हाय मलिक, जब तुम मेरी केयर करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, खुशकिस्मत हूँ मैं। वैसे हम लोग यहाँ क्यों खड़े हैं, कहीं चलते हैं, क्या ख्याल है? किसी अच्छी जगह पर बैठकर चाय वगैरह पीते हैं। हाँ ठीक है। उस्मान मैंने तुमको बताया था ना, मैंने मलिक की जान बचाई थी वरना इसको टक्कर लग जाती, बचा लिया मैंने तुम्हें। हाँ बिल्कुल, इसने मुझे धक्का दिया और खुद गाड़ी के सामने आ गई।